नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा हाजिरूँ एक और नए एडिटोरियल के साथ, जो कि हमने द हिंदू से लिया है। हमेशा की तरह अपने द हिंदू से एक एडिटोरियल पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। फ्रांसिस बेकन ने कहा है, रीडिंग मेक द मैन परफेक्ट। अब पढ़ने से व्यक्ति में पूर्णता आती है। जिन पर कहा जाता है कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, फिर भी विद्वानों ने यह कहा है रीडिंग मेक द मैन परफेक्ट। तो आपको डेली समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, और उसमें भी विशेष तौर से न्यूज एडिटोरियल। और चूंकि अपने इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो मैं रिकमेंड करता हूँ। तो आप अपने द हिंदू की वेबसाइट पर जाकर के, वहाँ ओपिनियन पेज पर जाकर के है जो इसको है जो देख सकते हैं। ओपिनियन एंड एडिटोरियल पर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। इस आर्टिकल में अपने वोकेबलरी, रीडिंग स्किल्स और करंट इश्यूज की चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजिंग इंडिया। भारत में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो एक आबादी का बहुत बड़ा तबका है, वो वृद्ध होता जा रहा है। तो उसमें वृद्ध लोगों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के हमारा आर्टिकल रहने वाला है। और आज के आर्टिकल में जो मूल शब्दावली आने वाली है, वो जो नए शब्द आने वाले हैं, उस वोकेबलरी में पहला शब्द हमारा है अट्यून। ठीक है, हम बोलते हैं ट्यून इन करना, फ्रीक्वेंसी सेट करना। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप ट्यून इन करिए, इस चैनल को ट्यून इन करिए, तो ऐसे ट्यून शब्द को अपने काम में लेते रहते हैं। ट्यून से अट्यून बना है। अट्यून इसका प्रोनाउंसिएशन देखें आप, अट्यून, ये जो ए की साउंड होती है, अट्यून वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में। सुसंगत होना या अनुसंगत होना, के अनुकूलित होना, मैक रिसेप्टिव और अवेयर, किसी चीज को रिसेप्टिव ग्राह्य बनाना या उसके बारे में जागरूक होना। अकस्टम करना, के अनुसार आदि होना। एडजस्ट करना, तालमेल बिठाना, या अडेप्ट करना, अनुकूल बनाना, ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या होगा? डिसअरेंज कर देना, बिखेर देना, डिसएग्री करना, असहमत होना, और रिफ्यूज कर देना, इनकार कर देना, एंटोनिम हो गए। ए सोसाइटी मोर अट्यून टू कंज्यूमरिज्म देन आइडियोलॉजी। समाज है वो उपभोक्तावाद के प्रति ज्यादा अट्यून्ड है, सुसंगत है, बजाय आदर्शवाद के। तो ये हमारे आज के समाज की हालत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मिरर। मिरर नाउन है, मिरर का अर्थ होता है, नाउन है, इसका अर्थ होता है दर्पण, आईना। क्या होता है? आईना, दर्पण। सरफेस टिपिकली ऑफ ए ग्लास कोटेड विद मेटल एमलगम विच रिफ्लेक्ट्स ए क्लियर इमेज। तो दर्पण से हम सब परिचित हैं, तो ये कोई बहुत विशेष नहीं है, लेकिन इसके दो तीन अर्थ में इसका प्रयोग हो सकता है, तो ये बात इसमें खास है। इसके पर्यायवाची देखते हैं, नाउन के रूप में लुकिंग ग्लास, आईना, दर्पण, रिफ्लेक्टर जो इमेज को, छवि को पुनः रिफ्लेक्ट कर दे, प्रतिबिंबित कर दे। वर्ब के रूप में रिफ्लेक्ट होना यानी प्रतिबिंबित होना, रिपीट करना, एंटोनिम इसका हो गया, प्राय विलोम हो गया, कवर करना, ढकना, डिस इंटीग्रेट कर देना, बिखेर देना, या एक्सक्लूड कर देना, हटा देना, और हाइड करना या छुपा लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही चेक्ड हिज अपीयरेंस इन द मिरर। उसने अपनी है जो छवि को मिरर में चेक किया, देखा। तो मिरर यहां इसका अर्थ आया दर्पण। कंटेक्स्ट के अनुसार अर्थ आएंगे, तो सेंटेंस की कंटेक्स्ट देखना है। कंप्यूटर की भाषा में यानी टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में इसका अर्थ होता है अनुकृति, यानी एक जगह कंप्यूटर डेटा कलेक्शन है, एज इट इज कहीं और किया तो वो उसकी मिरर हो गई, रेप्लिका हो गई। ए साइट ऑन ए नेटवर्क विच स्टोर्स द कंटेंट कॉपीड फ्रॉम अनदर साइट। तो कोई टेक्निकल साइट है, जगह है, वहां दूसरी जगह से एज इट इज डेटा को कॉपी किया गया है, उसे कंप्यूटिंग लैंग्वेज में मिरर करना कहते हैं। द कंपनी नाउ हैज ए मिरर साइट इन ताइवान। अब मान लो एक साइट इंडिया में है उसकी,
बेंगलोर में, एक ताइवान में उसने सेम साइट बनाई है, दोनों में डेटा समान है, एक जैसा है, तो उससे बोलेंगे मिरर साइट, यानी कि एज इट इज डुप्लीकेट कॉपी के अर्थ में। और वर्ब के रूप में इसका अर्थ हो गया प्रतिबिंब, दिखाई देना, ऑफ ए सरफेस, शो ए रिफ्लेक्शन ऑफ, किसी चीज का रिफ्लेक्शन दिखाना, प्रतिबिंब छवि दिखाना, द क्लियर वाटर मिरर द स्काई। तो यहां देखो आप ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म बन गई, तो जो स्वच्छ जल है उसमें आसमान की क्या है, उसने उसको प्रतिबिंब दिखा दिया, उसकी परछाई दिखा दी, तो द क्लियर वाटर मिरर द स्काई, या वर्ब के रूप में प्रयोग हो गया। अब एक होता है छवि दिखाई देना, और एक होता है प्रतिबिंब होना, छवि होना, तो वो क्या हो गया, कोरेस्पॉन्ड और बी सिमिलर टू, किसी के समान होना, अनदर थिंग, किसी दूसरी चीज के जैसा होना भी इसका नाउन के रूप में आ जाएगा। हिज ओवन व्यूज मिरर्ड दोज ऑफ हिज फॉलोअर्स, तो यहां पर ये वर्ब के रूप में और आ गया प्रतिबिंब होने के अर्थ में। हिज ओवन व्यूज मिरर्ड दोज ऑफ हिज फॉलोअर्स, उसके अपने विचार ठीक वैसे ही है जैसे कि उसके अनुयायियों के हैं, फॉलोअर्स के हैं। तो ये इसके कंटेक्स्ट के अनुसार मीनिंग हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लीकेशन, निहितार्थ। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है निहित अर्थ, छुपा हुआ मीनिंग। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है, प्रोनंसिएशन इम्प्लीकेशन हो गया, आशय या निहित अर्थ, यानी आप क्या करते हैं, कोई बात ऐसी होती है तो उसका एक तो आने वाला अर्थ क्या है, आउटकम क्या है, परिणाम, संभावित परिणाम क्या है, या उसमें से आप इन्फेरेंस करते हैं, इन्फेर करके अर्थ को ग्रहण करके निकालने की कोशिश करते हैं, तो छुपा हुआ मीनिंग निकालते हैं। तो द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग ऑल्दो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, किसी चीज से एक जिसको एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, स्पष्टता स्टेट नहीं किया है, कहा नहीं गया है, उसमें से कोई न कोई अर्थ या निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, तो उस बात में से निष्कर्ष निकालना जो साफ साफ नहीं कही गई है, यानी कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। इन्फेरेंस करना, हिंट क्लू देना, या अर्थ ग्रहण करना, इंटीमेशन करना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो गया एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट हो गया क्लियर कट स्टेटमेंट, साफ साफ बात कही हुई, बेस आधारभूत बात होना। देवर कंसर्न्ड विद द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ द न्यू लेजिशन। अब देखिए, देव मतलब फार्मर्स के लिए है, यहां पर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिएगा, फार्मर्स जो किसान है, फार्मर्स यानी वे, यानी फार्मर्स, वे आर कंसर्न्ड विद द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ द न्यू लेजिशन। वे यानी किसान है, जो नए लेजिस्लेशन है, नए जो कानून है, उनके पॉसिबल संभावित आउटकम, संभावित आउटकम यानी परिणाम, ये देखिए आउटकम को लेकर के वे कंसर्न्ड थे, चिंतित थे, तो इस अर्थ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो निहित अर्थ या आशय या निहित परिणाम, निहित अर्थ या निहित परिणाम, दो मीनिंग हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट माइग्रेट, माइग्रेट प्रोनंसिएशन हो गया माइग्रेट, वर्ब है, प्रवास करना, मूव फ्रॉम वन रीजन और हैबिटेट टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजंस, एक क्षेत्र या आवास से, हैबिटेट यानी नेचुरल रेजिडेंस, प्राकृतिक आवास से दूसरी जगह, सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार मूव कर जाना, रोम करना, भटकना, टहलना, वांडर करना, इधर उधर घूमना। एंटोनिम हो जाएगा रिमेन, एक जगह बने रहना, स्टे करना, स्थिर होना। एज ऑटम अराइव्स, जैसे ही ऑटम आती है, द बर्ड्स माइग्रेट साउथ, तो पक्षी दक्षिण की ओर चले जाते हैं, यहाँ से या नॉर्थ से साउथ की ओर चले जाते हैं। तो माइग्रेट करना, प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। नेक्स्ट वर्ड इज एमिग्रेट। अब देखो इसमें क्या होता है, एमिग्रेट वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच ई एम आई एमिग्रेट, यानी आप ध्यान से देखें, माइग्रेट के आगे केवल ई लगने से एमिग्रेट हो गया है। तो ये तीन शब्द होंगे आपके, तो देखो पहला तो है अपने माइग्रेट, दूसरा है एमिग्रेट,
और तीसरा है इमिग्रेट, ये तीन शब्द हैं। अब आप देखो इसमें रूट वर्ड माइग्रेट, ये है रूट वर्ड माइग्रेट है, इसमें भी माइग्रेट है, इसमें भी माइग्रेट है और इसमें भी माइग्रेट है। तो माइग्रेट तीनों में है, ई लगने से इमिग्रेट हो गया, आई लगने से इमिग्रेट हो गया। माइग्रेट, एमिग्रेट और इमिग्रेट, एमी और इमी। अब इनका अंतर बताऊंगा आपको। अब ये सिनोनिम इसका यही है, मूव एब्रोड विदेश चले जाना, मूव ओवरसीज विदेश चले जाना, ओवरसीज यानी समुद्र पार जाना, लीव वंस कंट्री एक अपने देश को छोड़ देना। तो माइग्रेट का ऑपोजिट वर्ड होगा, इमिग्रेट का हो गया माइग्रेट, तो इसका जो सिनोनिम है वो माइग्रेट भी हो गया। इसका सिनोनिम क्या हुआ, माइग्रेट होना, और ये भी इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इमिग्रेट हो जाएगा। तो ये जो एंटोनिम दे रखा है वो एंटोनिम ये हो गया इमिग्रेट होना। तो यहां अपना देश छोड़कर के दूसरी जगह चला जाना, मूल प्राकृतिक आवास छोड़कर के दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन या ये इमिग्रेशन हो गया। तो एमिग्रेट हो गया, विकास एमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, विकास है जो ऑस्ट्रेलिया में जो जाकर के बस गया, अपना देश छोड़ करके चला गया। नेक्स्ट इमिग्रेट, ये जो तीसरा शब्द है आज का वो आ गया इमिग्रेट। इमिग्रेट वर्ब है आप्रवासन करना या प्रदेश में बसना। तो माइग्रेट में आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, एमिग्रेट में आप वहां से यहां एंटर करते हो, और इमिग्रेट के अंदर होता है आप वहां जाकर के स्थायी तौर पर रहने लगते हो। जैसे आप यहां से मान लो कोई व्यक्ति है इंडिया से बाहर जा रहा है, तो हम कह सकते वो माइग्रेट कर गया। तो माइग्रेट किया तो हो सकता है कुछ दिन बाद में वापस आ जाए, लेकिन वहीं जाके रहने के पर्पज से जाए तो वो एंट्री कर रहा है उसमें, तो वो इमिग्रेट हो रहा है। और इमिग्रेट आप्रवासन करना है प्रदेश में बसना, वहां जाकर के स्थायी रूप से रहना ही शुरू कर दे, कम टू लिव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री। यहाँ से जाके मान लो कोई अमेरिका में, कनाडा में या यूएसए में रहता है, तो क्या हो गया अपने कहेंगे यूके में जाके रह रहा है, तो कि उसने इमिग्रेट कर दिया। तो एन इंडियन हु इमिग्रेटेड टू यूएसए इन 2015, एक भारतीय जो यूएसए में अप्रवास कर गया 2015 में, यानी वहीं जाके रहने लग गया। तो डू अब तीनों शब्द आपके अच्छी तरह समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है मीरेट। मीरेट नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में, असंख्य बेशुमार बहुत सारी, मीरेट पहाड़ ढेर सारा, अकाउंटलेस और एक्सट्रीमली ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, बहुत से लोग या वस्तुओं की असंख्य चीजें, इननमरेबल असंख्य होना, अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं किया जा सके, एंडलेस जिसका कोई अंत नहीं हो, ये एक ऐसे चिन्ह होता है एंडलेस। नेक्स्ट एंटोनिम हो गया इसका बाउंडेड लिमिटेड, काउंटेबल जिसे काउंट किया जा सके और जिसकी कोई सीमा हो, लिमिट हो, लिमिटेड। देर इज ए मेरिट ऑफ आइलैंड्स टू एक्सप्लोर, यहाँ पर देखिए बहुत सारे आइलैंड्स हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर देम, तो बहुत सारे आइलैंड्स आपको हैं, आप इनको देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, टूरिज्म का सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज द वर्ड ऑफ द डे, वेरी गुड, इसी का आज इंतजार था मैंने आपको, जैसे पहले का आपको एक नई सीरीज मिलेगी पूरे सेशन में द वर्ड ऑफ द डे। आज का जो हमारा वर्ड है वो है QUINTIL, क्विंटिल वर्सेस क्विंटल, क्विंटिल वर्सेस क्विंटल, तो क्विंटिल वर्सेस क्विंटल, ये देखो देखने में एक जैसे लगते हैं, क्विंटल क्विंटिल, ये इसका प्रोनंसिएशन हो गया, नाउन है ये पंचमक, तो क्विंटिल होता है पंचमक, यानी कोई 100% चीजें उसको हम पांच समान भागों में बांट देते हैं, 20-20% के पांच टुकड़े कर देते हैं, तो वो क्विंटिल कहलाता है। स्टेटिक्स में इसका सांख्यिकी में प्रयोग होता है। एनी ऑफ द फाइव इक्वल ग्रुप्स इन टू विच ए पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड, जिसमें जनसंख्या को पांच समान भागों में बांटा जा सके, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू, जो भाई पर्टिकुलर वेरिएबल, किसी खास वेरिएबल के वैल्यू के अनुसार। जैसे द फिफ्थ और द लोवेस्ट क्विंटिल
वुड इंक्लूड द 20% ऑफ द पॉपुलेशन हु मेक द लीस्ट मनी। तो जनसंख्या का 20% या पांचवा या सबसे न्यूनतम क्विंटिल यानी पांचवा भाग, तो न्यूनतम पंचमक यानी पांचवा हिस्सा। और एक क्विंटल होता है, क्विंटल क्या है, नाउन है, 100 वेट हो गया, यूनिट ऑफ वेट इक्वल टू 100 केजी, 100 किलो वजन के बराबर। यानी आप अनाज आदि तोलते हैं तो क्या कहते हैं कि एक क्विंटल, दो क्विंटल, तीन क्विंटल, तो 100 केजी को बोलते हैं क्विंटल। तो इसमें AL होता है और इसमें ILE होता है, क्विंटल और क्विंटल, इल और एल, ये साउंड का अर्थ है। अब देखो स्टेटिक्स में जो क्विंटल यूज होता है उसको आप ये डायग्राम देखें, यहाँ ये पूरा का पूरा 100% का डायग्राम है, इसके 20-20 के कितने हिस्से बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये जो 20% है इसे बोलेंगे लोअर क्विंटल, और ये 20% हो गया अपर क्विंटल, ये मिडल क्विंटल, और ये दोनों और हो गए, कुल 20 × 5, तो 100% हो गया। तो जब आप 100% को 20-20 के पांच भागों में बांट दिया तो इसे क्विंटल बोलते हैं स्टेटिक्स में। और ये जो क्विंटल है तो इसको अब क्या अपने ऐसे लिख सकते हैं, QUINTILE, तो ये क्विंटल हो गया, इसका एक ये हो गया क्विंटल, तो ये क्विंटल है। जब अपने वेट करते हैं स्केल पे तो आप देखते हो ये इधर कुछ है और ये ज्यादा हेवी है, अगर अपने इसको बोल सकते हैं एक क्विंटल, दो क्विंटल, तीन क्विंटल, तो स्केल पर अपने जो मेजरमेंट करते हैं, तो ये आई डू होप आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब क्विंटल और क्विंटल का अर्थ आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जो तोलने के काम आए वो क्विंटल AL, और जो स्टेटिक्स में काम आए वो क्विंटल। एक इसका एस्ट्रोलॉजी में और होता है, अगर 72% का कोई एंगल बने, सेलेशियल बॉडीज होती है जिसे ग्रह नक्षत्र तारे होते हैं, तो उनकी दिशा आदि देखने के लिए, तो बेहतर डिग्री का कौन बने 1/5, तो उसको भी क्विंटिल बोलते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी में और स्टेटिक्स में ये शब्द काम में आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। तो ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है प्रोपोर्शन। इसमें देखें रे की साउंड नहीं है, और ये जो ओ है इसकी साउंड है आ, और ये जो ओ है इसकी साउंड है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी ओ दिखते ही ऐसे मुंह नहीं घुमाना है, आ प्र, ये ओ देखते ही प्र की साउंड है, और ये आ ये वाला साउंड है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन PUN का शन बनता है, तो ये प्रोनंसिएशन हो गया प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन अनुपात, तुलना या अनुरूप, के अनुरूप होना। सिनोनिम्स रेशियो, कंपैरिजन तुलना करना। एनालॉग के समरूप होना। अब एनालॉग इसमें एक एनालॉग ये भी होता है एनालॉग, और एक ये भी एनालॉग होता है। जक्स्टापोजिशन देख एक दूसरे से कंपेयर करना, एक जैसा होना, तो जक्स्टापोज होना, जक्स्टापोजिशन होना। अनुरूपता के लिए, एनालॉगी के लिए ये आता है। एंटोनिम हो गया एंटायरिटी, संपूर्णता, होल, पूरा, थोक में। और डिस्प्रोपोर्शन, डिस्प्रोपोर्शन में डिस लगाने से क्या बन जाएगा, अपोजिट वर्ड भी बन जाएगा। द साइज ऑफ द विंडो सीम्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द हाइट ऑफ द वॉल। ऐसा लगता है खिड़की है जो, ये मान लो कोई दीवार है, इसके अनुपात में विंडो क्या है, सही प्रोपोर्शन में नहीं है, सही अनुपात में नहीं है, इसका अनुपात है जो गड़बड़ाया हुआ है, इसका रेशियो बिगड़ा हुआ है। तो एक्चुअली चीजें क्या है, सही रेशियो में होनी चाहिए थी, ऐसी बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट, ये शब्द आपने मेडिकल में देखा होगा, कभी हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़े, फिर भी पढ़ाई के पर्पज से या कोई किसी किसी काम पड़ता ही है व्यक्ति के, तो आपने वहाँ एक यूनिट देखी होगी जेरियाट्रिक यूनिट।
इसमें ये देखो, एक तो सबसे पहले जब जीई की ध्वनि जय आए, जीई की ध्वनि जब जय आए, तो जो इंग्लिश का ये जो प्रोनाउंसिएशन लिखा जाता है, तो ये इस तरह से डी लिख के इसके नीचे ये जय लिखा जाता है, इसे जय बोलते हैं। ये साउंड है, जैसे जेंटिल, जज। तो जीई की या जे की ध्वनि जब जय आए तब हमें ये लेते हैं, जे या जीई की ध्वनि जब जे आए तो ये सिंबल काम में लेते हैं। तो ये आप डिक्शनरी में आदि में प्रोनंसिएशन देखें तो समझ जाएं ये क्या है, जे की ध्वनि है। जेरियट्रिक, जेरियट्रिक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, और ये एडजेक्टिव भी है, दोनों नाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में भी काम आता है। ये जरा चिकित्सा, जरा यानी वृद्ध, जरा यानी वृद्ध, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए, रिलेटिंग टू ओल्ड पीपल स्पेशली विद रिगार्ड टू देयर हेल्थ केयर, वृद्ध लोगों से संबंधित खास तौर से उनके स्वास्थ्य की देखभाल के संबंध में, तो मेडिकल में ये काम में लिया जाता है। जेरियाट्रिक हॉस्पिटल, जरा चिकित्सा अस्पताल, तो वो केवल सीनियर सिटीजन के लिए होते हैं जेरियाट्रिक हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जेरियाट्रिक यूनिट बनी होती है, क्या बनी होती है, यूनिट, जेरेट्रिक इकाई बोलते हैं, जिसमें केवल और केवल वृद्धों का ट्रीटमेंट किया जाता है, देखभाल की जाती है। एरेस्ट होम फॉर जेरेट्रिक्स एग्जाम्पल हो गया, जेरेट्रिक्स यानी कि वृद्धों की देखभाल के लिए रेस्ट होम, रेस्ट हाउस, तो जेरेट्रिक, तो इसको है जो ध्यान रखें साउंड का, विशेष तौर से जे की साउंड आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट फाइन ट्यून, वाओ व्हाट अ वर्ड इज, क्या आप फाइन ट्यून करते हैं चीजों को? यस, फाइन ट्यून, फाइन ट्यून वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, सुव्यवस्थित करना, मेक स्मॉल एडजस्टमेंट टू समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट और ए डिजायर्ड परफॉर्मेंस, आप वांछित लक्ष्य या परफॉर्मेंस प्राप्त करने के लिए चीजों को क्या करें, सिस्टमेटिक करें, छोटे मोटे चेंजेस करें, बदलाव करें, तो उसमें निरंतर अपने क्या करते हैं, सुधार करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं फाइन ट्यून करना। तो हिंदी इसकी हो जाएगी परिष्कृत करना, क्या करना, परिष्कृत करना। अगर हम किसी चीज को परिष्कृत करते हैं, रिफाइन करते हैं, अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं, सिस्टमेटिक कर देते हैं और छोटे छोटे कामों से, ताकि हमारा आउटकम अच्छा रहे, तो उसे फाइन ट्यून करना बोलते हैं। तो क्या आपने आज के काम को फाइन ट्यून किया? यस, दे कैन फाइन ट्यून द कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू फोकस ऑन ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, तो वे कंप्यूटर प्रोग्राम को फाइन ट्यून कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ा बहुत और स्पेस मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड इज कमसम, कम्बसम, कम्बसम देखिए यहां ये जो यू है इसकी आवाज आ रही है ए की, ये पहले से प्रोनाउंसिएशन की चर्चा कर लेते हैं, जैसे अपने होता है बी यू टी बट, सी यू टी कट, ठीक है। अब इसमें देखो यू की ध्वनि ए की आ रही है, यू की ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, बट कट, तो जब ब ए प्लस टे, ब ए प्लस टे इक्वल टू बट, इसी प्रकार क ए ट कट, तो जब यू की ध्वनि ए आए तब इसका जो इंग्लिश का सिंबल होता है वो ये होता है उल्टा वी, तो इससे कंबसम पढ़ेंगे, कंबसम, कंबसम। और ओ की ध्वनि भी जब क्या आए, हलंत वाले ए की आए तो ये सिंबल लगता है, तो कंबसम, बट कट, तो इसमें ये ए की साउंड आ रही है। एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है, ये इसका प्रोनंसिएशन हो गया। भारी भरकम जटिल दुष्कर, जो चीज बहुत ही दुष्कर हो, कार्य करने में इजी नहीं हो या बहुत ज्यादा हेवी हो, तो उसके लिए कंबसम का प्रयोग किया जाता है। ये कोई फिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट चीज भी हो सकती है, विचार भी हो सकता है, हेवी एंड देयर फॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज, वियर और टू हैंडल, तो कोई भी चीज है जिसे हैंडल करना आसान नहीं हो, कोई भारी चीज जिसे पहनना मुश्किल हो, जिसे यूज करना मुश्किल हो, जिसे ले जाना मुश्किल हो, या कोई ऐसा आइडिया हो जो बड़ा कम्बसम हो, तो अपने कम्बसम का प्रयोग करते हैं। ऑल दो द मशीन लुक्स कम्बसम, इट इज एक्चुअली इजी टू यूज, यद्यपि ये मशीन दिखने में तो आपको कम्बसम लगती है,
दुष्कर लगती है, भारी भरकम लगती है, जबकि ये काम में लेना बहुत आसान है। एकम बसम का अर्थ हो गया दुष्कर, भारी भरकम या जटिल। ठीक है, तो आप भी इंग्लिश को लेकर के इतना मत सोचें कि ये कंबर्सम होगी, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इजी सिंपल। यस, नेक्स्ट ले डाउन, तो आज का फ्रेजल वर्ब आ गया ले डाउन, रख देना, दो अर्थ होता है, निर्धारित करना या रख देना, तो ये है निर्धारित करना और रख देना। पुट समथिंग डाउन, किसी चीज को रख देना भैया अपनी चीजों को। शी फिनिश्ड हर केक एंड ले डाउन हर फॉक, उसने अपना केक फिनिश किया, खाया, और जो फॉक है खाने का जो कांटा है उसे रख दिया, लेट डाउन द फॉक। ओके, नेक्स्ट है निर्धारित करना, फॉर्मुलेट करना या एनफोर्स करना, लागू करना, व्यवस्थित करके देना, या इंसिस्ट ऑन ए रूल और प्रिंसिपल, या किसी सिद्धांत या नियम पर बल देना। ये ध्यान देना, कुछ बच्चों इसको गड़बड़ कर देते हैं। प्रिंसिपल पी एल ई होता है, तो इसका मतलब होता है सिद्धांत, क्या मतलब होता है सिद्धांत, और अगर पी ए एल होता है लास्ट में तो उसका अर्थ होता है प्रधानाचार्य, चीफ। तो पी ए एल और पी एल ई का विशेष ध्यान रखें। सिनोनिम्स हो गया फॉर्मुलेट करना, व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टिपुलेट करना, फिक्स कर देना, शट डाउन कर देना, फिक्स कर देना, सर्टेन कर देना, या फ्रेम कर देना कि हमने ये बातें तय कर दी, कोई विचार नियम आदि को फ्रेम करना बनाना। तो लेट डाउन इस अर्थ में भी आएगा। एंटोनिम हो जाएगा डिस्प्लेस करना, एवेस्ट करना, रिमूव करना, हटा देना। स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया हैव बीन लेट डाउन, तो कोई बात के लिए आपने स्ट्रिंजेंट कठिन क्राइटेरिया, सख्त क्राइटेरिया तय कर दिया है, निर्धारित कर दिया है, तो क्राइटेरिया लेट डाउन कर दिया गया भाई, तो निर्धारित कर दिया गया है। ये हुई आज की फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट में आ गया अपना आर्टिकल, एडिटोरियल, कॉर्टेसी, द हिंदू, थैंक यू वेरी मच द हिंदू न्यूज़पेपर, इतने अच्छी न्यूज हमें देने के लिए। आज का जो टॉपिक है केयरिंग फॉर द ओल्ड, वृद्धों की मदद करना, उनकी देखभाल करना। ऑन द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, संयुक्त राष्ट्र संघ की है वो जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट है इंडिया एजिंग की, भारत वृद्ध हो रहा है, भारत वृद्ध हो रहा है, इसकी रिपोर्ट है 2023 की। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा है, इंडिया बूढ़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो हमारी सरकार उसके लिए क्या प्रावधान कर रही है, तो आइए देखते हैं। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए ताकि पैराग्राफ आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आराम से देख लेना रोक करके। तो इंडिया मस्ट अट्यून इट्स पॉलिसीज टू एंश्योर द एल्डरली लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। इंडिया मस्ट अट्यून, भारत को इस चीज को क्या करना चाहिए, अट्यून करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, इट्स पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज को ऐसे रिफाइन करना चाहिए, टू एंश्योर द एल्डरली लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो एल्डरली है, जो ओल्ड पर्सन है, वृद्ध लोग हैं, वो एक लाइफ ऑफ डिग्निटी, एक प्रतिष्ठा का जीवन जिए, कि हमारे वृद्ध हैं वो बड़े सम्मानजनक जीवन जिए, इस बात को सरकारों को पॉलिसी निर्धारित करते समय भारत को अट्यून करना चाहिए। ए गुड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ओल्डर, दुनिया का एक काफी अच्छा हिस्सा है वो बूढ़ा होता जा रहा है, एंड इंडिया मिरर्स दिस ट्रेंड एज वेल एज, तो ये है जो ट्रेंड है, ये प्रवृत्ति है, भारत में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रदर्शित हो रही है, मिरर हो रही है, इसकी छवि देखी जा सकती है, तो ये भारत में भी ऐसा हो रहा है, इस ट्रेंड को यानी प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को इंडिया में भी देखा जा सकता है एज वेल। द रियलिटी अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनसंख्या कोष है उसकी रिपोर्ट है 2023 की, एजिंग इंडिया एजिंग की, भारत बूढ़ा हो रहा है, उसके अनुसार इज देयर द पॉपुलेशन अबव 60 इयर्स विल डबल फ्रॉम 10.5% और
14.9 crore on July 1, 2022 to 20.8% और 30.7 crore by 2050। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत की जो जनसंख्या है जिसमें 60 साल के ऊपर के लोग हैं वो दुगनी हो जाएगी 2050 तक। कहां से कहां तक हो जाएगी? 10.5% से ये बढ़ करके 20.8% हो जाएगी, या सीधे शब्दों में कहें तो ये 14.9 crore से बढ़ करके है जो 34.7 crore हो जाएगी, तो लगभग दुगनी हो जाएगी। और ये है 1 जुलाई 2022 की बात है, डाटा है। सो विद वन इन फाइव इंडिविजुअल्स, पांच में से एक सेड टू बी ए सीनियर सिटीजन्स। तो आने वाले समय में 2050 तक पांच में से एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन बूढ़ा होने वाला है। देयर विल बी इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ। अब इसके क्या है निहित अर्थ है, इस बात के इम्प्लीकेशन है इस बात को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, कि बूढ़े लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी, इकोनॉमी क्या कैसी होगी, अर्थव्यवस्था कैसी होगी और समाज कैसा होगा, ये 25-30 साल आगे की अभी सोचनी है। इन केरला एंड वेस्ट बंगाल, केरल और वेस्ट बंगाल के अंदर फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए देयर इज ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द एल्डरली। वहां क्या है, बूढ़े लोगों की जनसंख्या है वो ग्रोइंग है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों? वो लिव अलोन, जो अकेले रहते हैं, एज चिल्ड्रन माइग्रेट, क्योंकि बच्चे प्रवास कर जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अवसरों के लिए। यानी केरल और बंगाल से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, अब पंजाब में भी ये ट्रेंड चल रहा है, अन्य राज्यों में भी आ रहा है। तो ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम के कारण है जो वृद्धों की अकेले रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मजबूरी कहें या जो भी है। विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी का मतलब हो गया प्रत्याशा। तो विद जीवन प्रत्याशा क्या है, हमारी बढ़ रही है क्योंकि मेडिकल सुविधाएं अच्छी हो रही है। तो लाइफ विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजिंग थैंक्स टू बेटर वेज टू फाइट डिजीजेस। अब ये जीवन प्रत्याशा बढ़ने का कारण है, पहले तो धन्यवाद दे देते अपने अच्छे है जो डिजीज से जो लड़ने के हमारे जो साधन है वो अच्छे हो गए हैं। एंड डिक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट, और एक है जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो है जो घट गई है, यानी कि जो संतान बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है वो तो घट गई है, मेडिकल प्रिवेंशन अच्छे हो रहे हैं, तो इसमें उर्वरता है वो घटी है, और मेडिकल बीमारियां हैं उनसे लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ी है, तो जन्म दर घटी है, इस वजह से भी बढ़ रहा है। इन मेनी कंट्रीज, बहुत से देशों में इंक्लूडिंग इंडिया, देर आर चैलेंजेस इन नर्चरिंग एंड एक्सपेंडिंग एल्डरली पॉपुलेशन। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेज हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, नर्चरिंग एंड एक्सपेंडिंग एल्डरली पॉपुलेशन की, जो बढ़ती हुई वृद्धों की जो जनसंख्या है उनका पोषण, उनकी देखभाल कैसे की जाए, ये बड़ी चुनौती है। विद इन दिस मैक्रो फेनोमेनन, इस बड़ी घटना, मैक्रो होता है बड़ी, बड़ा या बड़ी, और माइक्रो होता है छोटा, इस बड़ी घटना के तहत देर आर मिरेट्स अदर डेटा ऑफ इंपोर्टेंस। अब देखो अन्य महत्व के डेटा का एक पहाड़ है, बेशुमार पड़े हैं वो, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ डेटा है हमारे पास। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, विमेन एल्डरली सिटीजन्स आउट नंबर देयर मेल काउंटर पार्ट्स। वृद्ध महिलाएं हैं अपने जो वृद्ध पुरुष जो काउंटर पार्ट है, समकक्ष जो पुरुष है, उनसे महिलाओं की संख्या ज्यादा है। 860 ईयर्स, 60 साल की उम्र में ए पर्सन इन इंडिया में एक्सपेक्ट टू लिव अनदर 18.3 ईयर्स। तो 60 साल का आदमी है वो लगभग 18.3 साल और जीने की उम्मीद कर सकता है, एक्सपेक्ट अपेक्षा कर सकता है। तो विच इज हायर इन द केस ऑफ विमेन 819 ईयर्स, महिला के मामले में वो लगभग 9 महीने ज्यादा, वो 19 वर्ष तक ज्यादा और जिंदा रहने की उम्मीद कर सकती है, कंपेयर टू मैन एट 17.5 ईयर्स। तुलनात्मक रूप से पुरुष की उम्मीद है वो 17.5 ही है। तो
इफ वीमेन इन इंडिया, यदि महिलाएं भारत के अंदर क्या करें, वेयर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज लो एट 24%, तो महिलाओं की जो लेबर फोर्स है, श्रमिक बल है, उनकी भागीदारी मात्र 24% है, डोंट हैव इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, उनके पास आर्थिक और सामाजिक सुरक्षाएं नहीं है, जैसे कि निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना, निशुल्क पेंशन बीमा योजना, तो ऐसे कोई सामाजिक और आर्थिक संबल वाली योजनाएं हो, तो दे विल बिकेम मोर वल्नरेबल इन ओल्ड एज, तो उनके वृद्धावस्था में ज्यादा इस बात का शिकार होने की संभावना है, वल्नरेबल है, तो इस चीज को भी माइंड करना पड़ेगा, ये कंसर्न उठाएगा रिपोर्ट में। नेक्स्ट वन इज देर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट इंटरस्टेट वेरिएशंस। अब इसके तहत इंटरस्टेट अंतर राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, वेरिएशन हैं। क्या है, मोस्ट स्टेट्स इन द साउथ, दक्षिण भारत के जो अधिकांश राज्य हैं, रिपोर्टेड ए हाई शेयर ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन, दक्षिणी भारतीय राज्य हैं, वहां पर वृद्ध लोगों की जनसंख्या हायर शेयर है, उनकी संख्या ज्यादा है, यानी लॉइन शेयर उनके पास है। देन द नेशनल एवरेज इन 2021, राष्ट्रीय औसत है जो 2021 का, उसके अनुसार ए गैप दैट इज एक्सपेक्टेड टू वाइडन बाय 2036, और ये जो गैप है, अंतराल है, गैप यानी अंतराल है, ये 2036 तक बढ़ने वाला है, बढ़ने की उम्मीद है, इज एक्सपेक्टेड टू, ये देखिए पैसिव स्ट्रक्चर है, जब भी आपके इज एम आर क्या हो, इज एम आर वॉज वर आदि, जो बी हो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। वाइडन बाय 2036 वाइल, जबकि स्टेट्स विद हायर फर्टिलिटी रेट्स, और जिन राज्यों की जो उर्वरता दर ज्यादा है, यानी जन्म दर ज्यादा है, जिन महिलाओं में बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी ज्यादा है, सच एज बिहार एंड उत्तर प्रदेश, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जन्म दर ज्यादा है, एक्सपेक्ट टू सी एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन 2036, उन राज्यों में भी 2036 तक है जो वृद्ध लोगों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ने का उम्मीद की जा रही है। ओवरऑल सो द लेवल विल बी रिमेन लोअर देन द इंडियन एवरेज, फिर भी जो स्तर है जो भारतीय औसत से कम रहेगा, ओवरऑल कुल मिलाकर के मोर देन 2/5 ऑफ द एल्डरली आर इन द पुअरेस्ट वेल्थ क्विंटिल। अब जो इसमें से क्या है, मोर देन 2/5 जो 2/5 भाग है जो वृद्ध लोगों का, वो पुअरेस्ट सबसे कमजोर वेल्थ क्विंटल में रहेंगे, जिनके पास कम से कम पैसा होगा, वो 20% जनसंख्या होने वाली है, तो ये क्विंटिल आ गया। रेंजिंग फ्रॉम द 5% इन पंजाब, पंजाब पर में ये 5% से लेकर के 47% तक होने वाला है। इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो 18.7% ऑफ द एल्डरली डोंट हैव एनी इनकम, और छत्तीसगढ़ में 18.7% के पास कोई इनकम ही नहीं है, तो इनका बुढ़ापे में क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ए हाई प्रपोर्शन, ए हाई प्रपोर्शन, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें, ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज अमंग द एल्डरली। अब जो हाई प्रपोर्शन है, ज्यादा से ज्यादा जो रेशियो है, वो है रूरल ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका, अमंग द एल्डरली, अमंग अमंग और बिटवीन, ये देखिएगा थोड़ा सा, जब दो लोगों की चीज बीच में हो, बिटवीन ए और बी, तो हम बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक हो तो अमंग का होते हैं, तो जनसंख्या में बहुत से लोग होते हैं, अमंग द एल्डरली, उन वृद्धों के बीच में, एंड ऑफन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, और खास तौर से ऑफन प्राय, अब इसका उच्चारण भी आप देखें, ऑफन ब्रिटिश इंग्लिश में टे साइलेंट होता है, ऑफन बोलेंगे इसे, और अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ्टन, ठीक है, तो नोट इट, तो अमेरिकन को इसको पढ़ेगा बोलेगा ऑफ्टन, और ब्रिटिश वाला ऑफन। सो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, आर्थिक रूप से जो वंचित हैं, डिप्राइव्ड यानी वंचित, से वंचित होना, डिप्राइव होना वंचित होना, तो आर्थिक रूप से जो वंचित लोग हैं या वृद्ध लोग हैं,
उनके अंदर जो ग्रामीण प्रपोर्शन है उसका ये हाई रेट है। सो टू मीट द चैलेंजेज ये फ्रेज है। टू मीट द चैलेंजेज इसका मतलब होता है इस चुनौती का सामना करने के लिए, टू मीट द चैलेंजेज इस चुनौती का सामना करने के लिए फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बेसिक नीड्स ऑफ द फूड एंड शेल्टर, भोजन और शरण की यानी मकान की व्यवस्था की आधारभूत सुविधाएं करना, आवश्यकता होना एंड इनकम सिक्योरिटी, आमदनी की जो सुरक्षा करना यानी कि उनकी इनकम सुनिश्चित करना एंड सोशल केयर और सामाजिक प्रभाव भी करना, देखभाल करना। ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच इज रिक्वायर्ड, एक समग्र सामाजिक उपागम की उपाय की आवश्यकता है। तो जेरियाट्रिक केयर मस्ट बी फाइन ट्यून्ड टू देयर यूनिक हेल्थ केयर नीड्स। जो जेरियाट्रिक जो वृद्ध लोगों की जो हेल्थ संबंधी देखभाल है, जरा चिकित्सा की जो व्यवस्था है उसको उनकी यूनिक विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, उसके अनुसार फाइन ट्यून होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। तो देर आर ए सेवरल स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं हैं। यहां देखिए सेवरल बताए, इसको मैं फिर बताता हूं आपको, सेवरल यानी अनेक, सेवरल यानी अनेक। ऐसी अनेक योजनाएं हैं टारगेटिंग द एल्डरली, जो कि वृद्ध लोगों को टारगेट कर रही है, बट मेनी आर अनअवेयर ऑफ देम, बहुत से लोग उसमें से अनअवेयर हैं, उनके बारे में उनको जागरूकता ही नहीं है, और फाइंड इट टू कमर्शम टू साइन अप, और उनको वो इतनी कमर्शम यानी जटिल लगती है, वो उनको बहुत कठिन लगती है टू साइन अप, कि वो उन स्कीम्स तक जा ही नहीं पाते, उनका लाभ नहीं उठा पाते। अब एक सेवरल आया है, तो सेवरल, मेनी और वेरियस, ये तीनों होते हैं, इनका अर्थ होता है अनेक। जब एक ही कैटेगरी के बहुत से हों तो सेवरल, जैसे सेवरल एडवोकेट, सेवरल टीचर, सेवरल बुक्स ऑफ इंग्लिश। वेरियस जब अलग अलग कैटेगरी के हों तब क्या करेंगे, वेरियस का प्रयोग करेंगे। वेरियस, देर आर वेरियस बुक्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में सभी विषयों की बुक होती है, तो वेरियस बुक्स। एक ही कैटेगरी के लोग हैं तो वेरियस, मेनी, और अलग अलग कैटेगरी के हैं तो वेरियस। अब एक कैटेगरी के कम संख्या में जिन्हें इजीली काउंट किया जा सकता है, तब तो अपने क्या करते हैं, जैसे सेवरल स्कीम्स, अनेकों योजनाएं, योजना इजीली काउंट की जा सकती है, लेकिन ऐसे क्या हो इजीली काउंट नहीं किया जा सकते, भीड़ के रूप में हो, तो अपने क्या करते हैं, मेनी का प्रयोग करते हैं। तो सेवरल, मेनी और वेरियस ध्यान रखें कैटेगरी और काउंटिंग के प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट है द नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन 1999 की वृद्ध लोगों पर जो राष्ट्रीय नीति है, एंड द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007, और वृद्धों की जो देखभाल है और उनका रख रखाव है, उनके कल्याण के लिए माता पिता का और सीनियर सिटीजन का 2007 का अधिनियम है, ले डाउन वो इस बात का प्रावधान करता है। ले डाउन यानी प्रावधान करना, निर्धारित करना, पहले अपने क्या बताया था, निर्धारित करना, तो निर्धारित करता है द केयर ऑफ द एल्डरली, वो उनकी एल्डरली की देखभाल करने का प्रावधान निर्धारित करता है, बट टू एंश्योर द सीनियर सिटीजन लिव इन डिग्निटी, लेकिन इस बात को इंश्योर करना कि जो सीनियर सिटीजन है, वृद्ध लोग, नागरिक हैं, वो डिग्निटी से ससम्मान पूर्ण जीवन जिए। पब्लिक एंड प्राइवेट पॉलिसीज मस्ट प्रोवाइड मोर सपोर्टिव एनवायरनमेंट, तो पब्लिक और प्राइवेट पॉलिसीज हैं, सार्वजनिक जनता की, जो सरकार की और निजी क्षेत्र की जो नीतियां हैं, वो इस तरह से एक सपोर्टिव सहायक वातावरण का निर्माण करें, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तभी हम अपने है जो सीनियर सिटीजन्स की अच्छी देखभाल कर पाएंगे। कहा भी गया है ओल्ड इज गोल्ड, तो हमें अपने सीनियर सिटीजन्स का, बुजुर्गों का, माता पिता का जो वृद्ध हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए, ये इस रिपोर्ट के अंदर अपेक्षा की गई है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ यू फाइंड इट वैल्यूएबल। हैव ए ग्रेट डे अहेड।